हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेहरा सर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि यदि आता है तो वो टेंस, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। हम एक बार उसको दोहराते हैं। जो सिंगुलर है उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब इज लेके आओ, और जो प्लूरल है उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब आर लेके आओ, और आई जो हमारा प्रोनाउन है उसके साथ में हमें एम का प्रयोग करना है। अब यदि आप में से कोई ये पूछता है कि आई के साथ में एम क्यों आएगा, तो मेरे पास इसके लिए सिर्फ एक आंसर है कि पूरे टेंस में आई की दादागिरी है। एंड आप ये रखो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड आई मीन पूरे प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन है और अलग अलग तरीकों से इसका यूजेस होता है। मैं आपको बार बार बताता रहूँगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे हुआ वो बात मैंने आपको बता दिया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ में एक विशेष तौर पर एम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि सिंगुलर प्रोनाउन प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं। सिंगुलर में एक बार वापस आपको बता देता हूँ, ही, शी, इट या कोई नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम। अच्छा, प्लूरल वाले यू, वी एंड दे, और यहाँ पे आई के लिए डायरेक्ट एम का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो ये तो हो गए सिंगुलर, प्लूरल और आई। अब किस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट करने वो बताना है। तो एक मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश बना के बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपने बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें नेगेटिव किस प्रकार आएंगे, इंट्रोगेटिव किस प्रकार आएंगे देख लेंगे बाद में। जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, अजय जयपुर जा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस हमने तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब दसवीं से पहले पहले पढ़े। अब वो सेंटेंस हमारे काम के नहीं, अब हमारे काम के जो मेन हमारे काम के सेंटेंस होंगे ना, वो सिर्फ इनसे क्रिएट होंगे। आपको ये कंप्लीट याद रहना चाहिए, नाउ स्टिल एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट एट प्रेजेंट टुडे नाउ इट इज लुक एंड लिसन, लुक एंड लिसन। लेकिन लुक एंड लिसन के बाद में एक प्रश्नात्मक चिन्ह, सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, जिसे आप खूंटे के नाम से याद रख लो, एक खूंटा आएगा उसको याद रखना कंप्लीटली। एंड इस सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, इज, आर और एम, पता है सिंगुलर, प्लूरल और आई, ध्यान रखना। इसमें अजय कौन है, एक वचन या बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब की जाएगी। तो अजय, ये अजय, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। इसमें क्रिया क्या है, जाना, तो इन तीनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग भी होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे अजय इज गोइंग, गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू कहाँ जा रहा है, जयपुर। इस प्रकार से सेंटेंस क्रिएट होंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शी इज वॉशिंग, आपको पता शी इज वॉशिंग का मतलब क्या होता है, वह धो रही है क्या, क्लॉथ्स, कुछ भी ले लो आप, क्लॉथ्स एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अच्छा, इज आर एम प्लस आई एन जी जब भी आता है, आप एडवर्ब याद करने, एडवर्ब देखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। इज आर एम प्लस आई एन जी आ रहा है मतलब सीधा सीधा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा आपको दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा आपको दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस। और चौथा आपको दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। इनमें से आपको एक टेंस जो सही है वो बताना है, कौन सा इसमें से सही है वो क्रिएट करना है। तो ये सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है, इसको एक बार वापस देखें कि शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स एट दिस टाइम। इसमें और इसमें मिलान कर सकते हो आप चाहो तो। एक तो इसमें एट दिस टाइम आ रहा है, ये अपना बेनिफिट है, हमें एडवर्ब से आती तो एट दिस टाइम आ रहा मतलब अपना काम क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा देखना है तो इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी भी आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी यदि आता है तो वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूज होगा और उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज सही है, बाकी के सारे ढूंढने बस इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से किस प्रकार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये मैंने इसको टेस्ट कर दिया और इसको इसको भी टेस्ट कर दिया, अब इसी क्वेश्चन की अपने बात करते हैं भाई। सपोज कि सेम ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैं वापस इसको सही कर देता हूँ टाइम, और ये आपको कोष्टक में इसने वर्ड दी, कोष्टक में आपको वर्ड दिए, क्या दिए वॉश, क्या दिए वॉश, ओनली फॉर वॉश दिए, तो ये यहाँ पे कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कई बार, कई बार आपको टेंस नहीं पूछा जाता, ओनली फॉर करेक्ट फॉर्म पूछ जाती है भाई करेक्ट फॉर्म भरो इसमें, और यहाँ पे दे दी गई आप ए बी सी और डी, करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे दे दी गई है एम वॉशिंग आर वॉशिंग सी में इज वॉशिंग हैज बीन वॉशिंग, ये आपको दे दी गई। तो सीधा सीधा है एट दिस टाइम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एट दिस टाइम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हो गया, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर भी आता है, इज भी आता है और एम भी आता है, लेकिन आपको पता है ये प्लूरल के साथ में यूज होता है मतलब बहुवचन, ये सिंगुलर के साथ में यूज होता है मतलब एकवचन, और ये सिर्फ आई के साथ में। सब्जेक्ट देखना है, इसका सब्जेक्ट सी है, सी मतलब एकवचन, सी मतलब एकवचन, तो एकवचन में इज आएगा, आई एन जी आएगा साथ इज वॉशिंग, तो इसमें से ये इज वॉशिंग जो सी है ये आपका राइट है, बाकी सब रॉन्ग। इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं। थैंक्स दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको आज का वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आऊँगा मैं आपके सामने कल। थैंक्स, तब तक के लिए धन्यवाद, और देखें कंटिन्यू जुड़े रहें, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, दिन ब दिन आपके लिए नए से नए वीडियोज लाएंगे, कंटिन्यू देखते रहें। थैंक्स दोस्तों।